पैसे नहीं लाए। अच्छा बिल भरे का पैसे नहीं? अच्छा अच्छा यार, काहे तुम मतलब यहाँ रोज आए कि अपना अपना ने अपना ने हम सबका 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 टाइम मतलब बर्बाद करते हो ऐसे का क्या मतलब है? इतना 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 खाना बर्बाद कर देते हो तुम यार, ऐसे बैठे रहते हो कोनों के इंतजार में, मतलब हमका समझ नहीं आता ये सब काहे करते हो। अब मतलब हो गई ना जहमत, हो गई जो इतना नुकसान हुआ है, ये सब खाना ये का बिल कैसे भरबो? गलत है, बर्बादी है, क्या कहते हो? आप बिल्कुल सही कह रहे, सही कहे ना। हाँ। फिर का ये ले लीजिए, आपके खाने के बिल से कहीं ज्यादा का है, इससे आप अपने बिल के पैसे वसूल लीजिएगा। प्योर गोल्ड है, दीजिए। पहन लो एक, पहन लो, घर ले जाओ। ससुराल एक कंगन का देगी हमका? अरे भैया हेले देगी कि इका बेच के जो है के खाने का बिल भर दे, साधारण सी बात है। टाप देंगे घुमाए के, साधारण सी बात है। ससुराल हम सुना रहे का, हमका का मतलब ही छोड़ी कंगन से? भैया इतना काहे चिंता कर रहे हैं, का बेच देंगे और ये नुकसान की भरपाई कर लेंगे बस और का। अच्छा ससुराल का सनक गया का तुम रही है? आपका यही काम रहेगा भाई कि खाने के बदले लोगों से छोड़ी कंगन उतरवाएंगे? बात करते हो यार, गजब है उपड़ी है वो की यार, अरे दिमाग खराब। अबे अभी का छोड़ो, ये सामान उठाओ, गरीबों में बंटवाए दो, समझो काम पे लगो। तू ना हमको चोटे बनाए के लिए बहुत परेशान करती, दो ही मिनट शांति से खड़े ना हो सकती का? तुमको ऐसा पागलों जैसा घूमना अच्छा लगता है का साली? तू पागल, तू साली, अगर तुम्हारे पास कोई खींचेगा तो तुमको कैसा लगेगा? तू ना हमारे कपार पे चढ़ने लगी, तुम्हारा ना कुछ करना पड़ेगा। चिंकी याओ, देखो आपके फूफा आपके लिए क्या लेके आए हैं। टन टन, आप ही की तरह प्यारी सी गुड़िया। हेलो फूफा जी, ये हमारे लिए। पसंद आया आपको? हमको बहुत पसंद है। अच्छा हुआ आप हमारे लिए गुड़िया लेके आए, अब से ये उम्र गुड़िया के ही बाल बनाएगी। हम जाके खेलते हैं। हाँ जाओ बेटा, जाओ खेल के आओ। भाभी आरुषि ने जिस तरीके से आपसे बात की उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। नंदोई जी, तुमका ना हमरी ननद की तरफ से हमसे कोनो माफी मांगने की जरूरत नहीं, उनको तो लोगों से बात भी नहीं करनी आती, और वो भी अपनी भौजाई से। अभी मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? मेरी समझ में नहीं आता कि आप हमेशा आरुषि से इस तरह से भला बुरा क्यों कहती रहती है? पहले ऐसा क्या हुआ था कि आप कह रही थी कि आरुषि तो अपनी सगी बहन की भी नहीं हो सकी? हाँ तो हम एकदम सही कहे थे, आरुषि तो अपनी सगी बहन की भी ना हो सकी। तुमका पता है आरुषि अपनी सगी बहन से बदला लेने के लिए कितने हद तक गिर गई, तुमका का बताए? तुमका पता है आरुषिया की शादी जो अमन के साथ होने वाली थी ना, वो अमन को छोड़ के ना हमरे ना शक्ति भाई से शादी करी, और वो भी ए लिए ताकि वो शादी करके प्रतिज्ञा के घर में जाए और उनकी जेठानी बन के ना उसे बदला ले। अब तो मैं हो जो आरुषिया के साथ गांठ बांध ली और तुम उनके साथ रह रहे हो, बाकी ना पूरे इलाहाबाद में ना कौनो भी उसे शादी नहीं करता।